हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी, जिसे हम बनाएंगे इंस्टेंट तरीके से। इसमें कोई तामझाम की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके घर के ही सामान से आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है, जिसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे आपको खानी है, कितने लोगों के लिए बनानी है आपको, उस हिसाब से आपको लेनी है। ये मैंने मैक्रोनी किसी बर्तन में डाली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसे हम उबालेंगे नहीं, इसे हम केवल पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। अगर इसके अंदर जैसे कोई डस्टिंग है या कुछ है, वो निकल जाती है और थोड़ी सी ये भीग जाती है। ये मैंने इसको इस पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोने रख दी है। ये अब हम इसे एक साइड रख देंगे। अब हमने लिया है कुकर, क्योंकि इसे हम कुकर में बनाएंगे इंस्टेंट तरीके से। इसमें हमने डाला है बटर कुकर में। अगर आपको पूरी ही बटर में बनानी है तो आप बटर में डाल सकते हैं। बटर के संग हम डालेंगे अब तेल, यानी ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालेंगे कि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। हमने इसमें अब दोनों चीजें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने ये लिए दो प्याज, ये मैंने प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है, दो एक हरी मिर्च ली है और एक दो से तीन लहसुन के टुकड़े लिए हैं। इनको मैंने इसी ऑयल में डाल दिया है। अब इसे हम हल्के हल्के चलानी है हमें, इसको हमें सेकनी नहीं है, थोड़ी सी हमें कच्ची पक्की रखनी है इसे, और बस शैलो फ्राई करनी है हल्की सी। ये हमें इस तरीके से इसको बस चलाते रहना है, इसे हमें ज्यादा सेकना नहीं है। ये हमारी इतने अच्छे से सीख चुकी है, और ये सब काम हमें करना है फुल फ्लेम पे करना है। हमने जी अच्छी सी ये हमारी इसमें प्याज सीख चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। अगर आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है आप कम डाल सकते हैं। ये मैंने लिए, ये पास्ता सॉस है, पिज्जा पास्ता सॉस, ये मैंने इसमें डाली है 1 से 2 चम्मच। इसे हम अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा हम इसे सेक लेंगे। इसमें मैंने डाली है किसान की सॉस, आप कोई सी भी सॉस डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। अब इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सेक लेंगे सॉसेस को, ज्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा ही हमें इसको स्टिर करना है। अब ये हमारी सिक चुकी है। इसमें मैंने डाला है एक टमाटर, मैंने टमाटर के शीट्स निकाल दिए और इसको मैंने बिना शीट्स के ही डाला है। इसका टेस्ट जब ही आता है जब हम चाइनीज चीजों में अगर हम टमाटर डालते हैं और उसके शीट्स निकाल देते हैं, अगर हम शीट्स डालते हैं तो उसका टेस्ट बीटर टेस्ट आता है। ये मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए फ्रोजन वाले। अब इसमें मैंने डाले थोड़े चिली फ्लेक्स, आप अपने मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ओरिगैनो। अब इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे जिससे हमारी ये जो सॉसेस है वो नीचे चिपक ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने भिगोई हुई जो मैक्रोनी रखी थी, अब हम इसमें डाल देंगे। इसे आप चाहे तो धो भी सकते हैं, मैंने एक बार इसे वॉश कर लिया था और अब इसमें इसे डाल रहे हैं। इसे हम इसलिए भिगोते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है और डस्ट निकल जाती है इसकी, हमें इसको उबालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, नमक थोड़ा देख के डालें क्योंकि हमने जो सॉसेस डाली है, बटर डाला है, सब में नमक होता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नींबू का रस, क्योंकि इसमें मैं ना तो इसमें मैंने विनीगर नहीं डाला है, मैंने इसमें नींबू डाला है विनीगर की जगह, जो एक अच्छा टेस्ट देता है। विनीगर अगर हमारे पास नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें मार्केट से तुरंत ही लाना है खरीद के, तो आप नींबू डाल सकते हैं इसमें। और इसे अब हम चलाएंगे ऊपर नीचे करेंगे, जिससे सारे मसाले सारी सॉसेस सब एक से हो जाएं और मैक्रोनी में घुल मिल जाएं। आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई सी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने सोया सॉस नहीं डाली है, आपकी मर्जी, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज, ये मैंने चीज क्यूब्स लिए हैं जिसे हम थोड़ा सा क्रश करेंगे और डालेंगे। अगर आपके पास क्रश की हुई चीज है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ग्रेट की हुई जो चीज आती है मार्केट में आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये जो क्यूब्स की रखी थी तो मैंने इसको यूज किया है, थोड़ा सा इससे एक क्रीमी टेस्ट आ जाता है अगर हम इसे डाल देते हैं तो। अब इसे हम ऊपर नीचे चलाएंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ज्यादा भी नहीं चलाना है। अब इसमें हमें डालना है पानी, पानी हमें इतना डालना है कि ये हमारी जो मैक्रोनी है वो भीग जाए थोड़ी सी, और अब इसे ऊपर नीचे हम चलाएंगे जिससे ये लगे नहीं। जी देखिए, मैंने पानी इतना उसी मात्रा में डाला है जितना कि उसको जरूरत है, जितनी की वो डूब जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाला है कि ये थोड़ा सा जो आपस में वो चिपके नहीं मैक्रोनी। अब इसमें हम लेंगे 2 से 3 सीटी, इसमें हमने 2 से 3 विसल लिए। अब देखिए ये कितनी अच्छी से पक चुकी है, अब हम इसे ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी से तैयार हुई है और इंस्टेंट हुई है, इसे हमें ना उबालना पड़ा पहले, ना हमें कुछ भी प्रोसेस तामझाम करने की जरूरत नहीं है, और इतनी अच्छी और टेस्टी लगती है खाने में कि बच्चे से अगर आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे से बार बार मांगेंगे आपसे कि आप ये हमें बना के इसको खिलाएं। और इसे कोई भी बिगिनर्स बना सकता है और इंजॉय कर सकता है, आप इसे बनाएं और अपने परिवार के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब और बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।